पुलिस द्वारा पकड़े गए गौवंश की हालत हुई खराब, नहीं है खाने पीने की कोई व्यवस्था। विगत 22 मई को पुलिस द्वारा रात्र 2 बजे के लगभग हरियाणा पासिंग कंटेनर से 35 नग गौवंश पकड़े गए हैं, जो कि बड़ा गांव गौशाला में छोड़े गए, जिसमें 9 गौवंश मरे हुए निकले एवं एक गौवंश कुछ एक दो दिन में मर सकते हैं। इनके लिए गौसेवकों द्वारा विगत 4-5 दिनों से इनके दवाएं खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन अब न उनके पास बजट है न ही इनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयुक्त सामान। गौसेवकों द्वारा बताया गया कि अब हमारे पास इन गौवंश के लिए खाना पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। दवाई हो सकता है जो भी करते हैं, लेकिन उसकी भी ज्यादा दिन तक हमारे पास व्यवस्था नहीं है। क्या शासन का इस पर कोई प्रयास नहीं बनता? सारे गौवंश ऐसे ही मारे जाएंगे? क्या मतलब हुआ उन्हें पकड़ने का, जब उन्हें मरना ही था? हाँ भैया, गौवंश देखना पड़ेगा मोबाइल पे। जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा हुआ है कि गौवंशों की हालत बहुत खराब है, उनकी हड्डी वगैरह दिखने लगी है। तो क्या है, ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर गौवंश को पकड़ने का क्या मतलब हुआ, जब सभी को यहाँ मरना था या वहाँ मरे, क्या मतलब था? आप लोग कहाँ से हैं? गौ सेवक हैं आप लोग? आपका नाम? आपका नाम? अच्छा जैन। धन्यवाद। जवाब दिया था हम लोगों ने, वहाँ पर कना भी पहुँचाया हुआ था और 2 दिन में कना लगता था। जो परसों कना भेजा हुआ था वो आज भी पूरा का पूरा रखा है, उसको खाली नहीं किया, यानी दिया ही नहीं है जानवरों को खाने के लिए। नहीं तो क्या आपका सहयोग नहीं किया जा रहा गौ सेवा सदन द्वारा या शासन द्वारा, आपकी मदद नहीं की जा रही? शासन प्रशासन और कर्मचारी सब फालतू, यानी कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा गौशाला, ना कोई उसमें ध्यान दे रहा है। अभी तक कितने गौवंश मर चुके हैं? वहाँ पे अभी तक 9 गौवंश मर चुके हैं। एक की हालत सुना है खराब, वो भी 1-2 दिन में शायद मर सकता है। हाँ, एक की हालत बहुत ही गंभीर। टोटल कितने गौवंश पकड़े गए थे वहाँ पे? 35। 35 गौवंश पकड़े गए थे। जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा, जैसा कि हमको जानकारी है, 23 मई को गौवंश से भरा हुआ एक ट्रक पड़ा गया था, जिसमें आप सभी गौ सेवकों को बुलाया गया था जानवरों को निकालने के लिए एवं उनकी दवाई एवं सेवा के लिए। और आप लोगों को इसी हमें मालूम पड़ा कि आज के बाद उनकी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ना शासन से आपको मदद दी जा रही है, क्या कहेंगे आप? इसमें अपने को जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि